जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2022 के कैप राउंड के बारे में। गाइस, कैप राउंड 2 का प्रोविजनल वैकेंसी आउट हो गया है, स्पेशली कैप राउंड 2 में। आज 30 तारीख है, ओके 30/10/2022, और कल 29/10 तक था कैप राउंड 1 का एडमिशन प्रोसेस। ओके, अब कैप राउंड 1 हो गया, कंप्लीट हो गया, अब कैप राउंड 2 चालू होने वाला है। तो इस राउंड में किस कॉलेज में कितने सीट अब रह गए फॉर ऑल दी कैटेगरी, इसकी वैकेंसी लिस्ट आज सीईटी सेल ने, एमसीए सीईटी ने रिलीज कर दी है। तो ये क्या वैकेंसी है, ये सारी चीजों के हम लोग बारे में बात करेंगे। बेसिकली किस कॉलेज में कितना सीट रह गया है, ओके, सो इसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि महाराष्ट्र एमसीए सीईटी को लेके एग्जाम से लेके एडमिशन तक हर चीज आपको बताने वाले हैं, ओके। एंड गाइस, 2023 के लिए हमने बैचेस भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस बैचेस लॉन्च कर दिए है। सो ज्वाइन, यू विल गेट लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ईबुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला आपको। सो कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335, और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट viditeducation.com। एंड गाइस, 2023 के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फ्री काउंसलिंग लिंक है, गूगल फॉर्म मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट बॉक्स में भी। तो इफ यू वांट काउंसलिंग फ्रॉम अवर एंड, देन डू फिल दैट फॉर्म, अवर टीम विल गेट बैक टू यू, ओके। अब चलिए देखते हैं कि क्या वैकेंसी है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। सो हियर वी आर गाइस, जैसे आप देख सकते हो एमसीए सीईटी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एमसीए पे तो इस तरीके का टैब खुलेगा, एंड यू कैन सी प्रोविजनल वैकेंसी ऑफ कैप राउंड 2 फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स इन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर 22 एंड 23। 30/10 को ये आ गया था, ये डाउनलोड करके मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली आपको देखना क्या है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में कितने सीट इनटेक थी। सो टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 सीट इनटेक थी, अब कैप राउंड 2 के लिए यहाँ पे सिर्फ 22 सीट्स बचे हुए, और जो बचे हुए सीट्स थे ऊपर के, अब अप्रोक्स 38 सीट्स जो है वो कैप राउंड 1 में फिल हो गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ओपन कैटेगरी के लिए 8 सीट है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 3 है, विजय डीटी, एनटी, बीएनटी, सी, इन सब के लिए कोई भी नहीं, ओबीसी के लिए 2 सीट है, टोटल यहाँ 14 सीट है, ओके। आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी के लिए 2 सीट है, एंड इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, ओके। सो सिमिलरली अभी कैप सीट ये है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी विद्यापीठ औरंगाबाद सेक्शन उस्मानाबाद, सब सेक्शन उस्मानाबाद की बात कर रहे हैं, तो 25 सीट रह गए इसमें। सिमिलरली आप बहुत सारे कॉलेजेस का, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद 9 सीट रह गए इसमें, ओके, ओपन के लिए सिर्फ 1 ही सीट है। सो दिस इज हाउ इट इज देयर। एंड गाइस, कैप राउंड 1 के बाद कैप राउंड 2 में ऑलमोस्ट 75% सीट फिल हो जाता है, ऑलमोस्ट हर एक कॉलेजेस का। बट जिस कॉलेज में सीट ज्यादा रहता है उस कॉलेज का सीट उतना फिल नहीं होता है, बट जो भी टॉप इंस्टीट्यूट है उनके तो सीट फिल हो जाते हैं जल्दी से ही। सो ये आप देख सकते हो, ये सीट प्रोविजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक कॉलेज का आपको मिलेगा। आप कंट्रोल एफ करके जो भी कॉलेजेस के बारे में सीट के डिस्ट्रीब्यूशन जानना है कि कितने सीट है, उसके अकॉर्डिंग आप उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, और आपको पता चलेगा कि आपके कितने चांसेस है। दो चीज आपको करनी है, प्रीवियस मेरिट लिस्ट कितना लगा है कैप राउंड 1 में, उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितना मेरिट लगा है, एंड कैप राउंड 2 में कितने सीट है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मैं जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहा हूँ उसमें मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं, अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझी रहेगी। एंड गाइस, अगेन गूगल फॉर्म का लिंक कमेंट बॉक्स एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री काउंसलिंग फॉर्म है, डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वॉन्ट कॉल बैक फ्रॉम अवर एंड। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।